बिहार के समस्तीपुर से एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन जल्द चालू होगा और इस अपडेट में बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि इस ट्रेन का संचालन पूजा स्पेशल ट्रेन के रूप में देखने को मिलेगा और खासकर बिहार लौटने वाले यात्रियों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से इस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाना है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की तरफ से एक बार फिर से बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से नई सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन समस्तीपुर के लिए महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन से चलाई जानी है। ट्रेन नंबर 01207 के साथ यह ट्रेन नागपुर से समस्तीपुर के लिए स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी, जहां पर कि प्रत्येक बुधवार को यह ट्रेन नागपुर से 10:40 पर प्रस्थान करेगी और बैतूल भोपाल झांसी के रास्ते दूसरे दिन यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल 4:20 पर पहुंचेगी। यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन ऐशबाग जंक्शन होते हुए गोंडा से 8:45 पर रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन बस्ती गोरखपुर होते हुए छपरा रेलवे स्टेशन 4:05 पर शाम में आएगी। यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन हाजीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन तीसरे दिन 9:30 पर मध्य रात्रि अपना गंतव्य पहुंच जाएगी। इसके साथ ही दूसरे दिशा में यह ट्रेन समस्तीपुर से नागपुर के लिए ट्रेन नंबर 01208 के साथ चलाई जाएगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह ट्रेन समस्तीपुर से 11:45 पर मध्य रात्रि रवाना होगी, जो कि मुजफ्फरपुर से 12:35 पर मध्य रात्रि यहाँ से खुलने के बाद हाजीपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते यह ट्रेन तीसरे दिन नागपुर रेलवे स्टेशन 7 सुबह में पहुंचेगी। इस ट्रेन के सुविधा के डिटेल्स की बात करें तो इस ट्रेन में स्लीपर के 8 कोच, एसी थर्ड टायर के 2 कोच, साधारण श्रेणी के 6 कोच और एसएलआर के 2 कोच सहित 18 कोच लगाए गए हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब।